दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक Nmap की पावर को सिर्फ नेटवर्क या पोर्ट्स के अंदर सीमित समझ रहे थे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, Nmap में हजारों बिल्ट इन स्क्रिप्ट्स है जो इसकी फंक्शनैलिटी को बहुत ऊपर तक ले जाती है। इसकी हेल्प से दोस्तों हम वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, बैकडोर डिटेक्शन, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोइटेशन तक कर सकते हैं, जबकि ये मेटास्प्लॉइट की तरह एक्सप्लोइटेशन फ्रेमवर्क नहीं है। दोस्तों, जब हार्टब्लीड बग डिस्कवर हुआ था अप्रैल 1, 2014 में, इसकी वजह से दोस्तों लाखों कंप्यूटर जो थे वो पूरी दुनिया में अफेक्ट हो गए। तब के टाइम पर इवन Nmap एक डेडिकेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर ना होकर भी इसके बावजूद इसके जो डेवलपर्स हैं उनने सिर्फ 2 दिन के अंदर इसको डिटेक्ट करने की स्क्रिप्ट्स बनाई। अब दोस्तों, Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर किसी को क्यूरियोसिटी है वो अलग से मेरी प्लेलिस्ट Nmap पर देख सकता है जिसमें हमने डिटेल में कवर किया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में हम दोस्तों Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन का यूज़ करके वल्नरेबिलिटी स्कैन करेंगे और उस वल्नरेबिलिटी की हेल्प से हम एक DoS अटैक भी लॉन्च करेंगे। दोस्तों, जिन्हें DoS अटैक नहीं पता क्या होता है उन्हें मैं एक अच्छी एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, मानिए एक वेबसाइट है जो एट अ टाइम 100 कनेक्शन बना सकती है। अब दोस्तों मानिए हम 100 नहीं, हम लाखों रिक्वेस्ट पर सेकंड उस वेबसाइट पर अगर भेजेंगे तो जो वो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी और जो बाकी के लेजिटिमेट यूज़र्स हैं उनके लिए भी वो अनअवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, Nmap की स्क्रिप्ट्स को यूज़ करने के लिए हम कमांड लगाते हैं स्क्रिप्ट और फिर आगे जो स्क्रिप्ट है उसका नेम। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो जितनी भी स्क्रिप्ट्स डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में होगी ये वो सारी ऑटोमेटिकली रन करेगा। लेकिन यहाँ पर हम अभी एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर वाली स्क्रिप्ट डालते हैं जो एज़ VULN प्रीडिफाइंड होती है Nmap में और फिर टारगेट का जो IP एड्रेस है। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं जिसे हमें ये आउटपुट्स देता रहेगा, स्कैन होने का वेट नहीं करेगा कम्प्लीट, -V मतलब वर्बोस मोड। अब ये दोस्तों थोड़ा टाइम लेगा, तब तक के लिए हम वीडियो पॉज करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे जो इस वेबसाइट में स्लो लॉरिस DoS अटैक वल्नरेबिलिटी मिली है। अब दोस्तों, इस वल्नरेबिलिटी का यूज करके हम एक और स्क्रिप्ट रन करते हैं DoS अटैक के लिए। Nmap max parallelism 800 -P N मतलब ये ऑनलाइन करेगा अज्यूम सारे को, -V वर्बोस मोड। स्क्रिप्ट का नाम दोस्तों यहाँ पर है हमारी HTTP स्लो लॉरिस, जिसे वो DoS अटैक लॉन्च करेगा। अब हम दोस्तों स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ये सारी जो चीज़ें हैं समझना चाहते हैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊंगा इस वीडियो में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। HTTP स्लो लॉरिस रन फॉर एवर इज इक्वल टू ट्रू। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई लैंग्वेज आती होगी, आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा, मैंने एक लिखा है यहाँ पर, मैंने स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स ऐड किया है और एक नेवर एंडिंग लूप बनाया है। अब दोस्तों, मैं इससे रन नहीं करूँगा क्योंकि ये इस वेबसाइट को मेरे पास सिर्फ स्कैन करने की परमिशन है। अनफॉर्चुनेटली मुझे DoS अटैक करने की परमिशन इस वेबसाइट पर नहीं मिली। दोस्तों DoS अटैक पर पूरा एक चैप्टर आएगा, 10 चैप्टर है वो सर्टिफाइड एथिकल हैकर सर्टिफिकेशन में, उसमें हम पूरा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे। अभी ये बस थोड़ा आइडिया देने के लिए आप लोगों को। अब रिकैप करते हैं, इस वीडियो में हमने Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन का ओवरव्यू देखा, एक बेसिक वल्नरेबिलिटी स्कैन भी किया हमने स्क्रिप्टिंग इंजन का यूज़ करके, और एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी हमने लॉन्च किया। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में नेटवर्क मैपिंग और Nmap के रिजल्ट्स के आउटपुट फॉर्मेट देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों।